नमस्कार, मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग पे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, यहां उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार 3-4 दिन बारिश होने के बावजूद यहां पर काफ़ी ठंड बढ़ गई है। हालांकि आज मौसम काफ़ी यहाँ पर खुशनुमा हो रखा है, लेकिन ठंड के वजह से लोग अभी घरों में हैं या कभी कभी धूप आ रही है तो लोग धूप सेकने बाहर आ रहे हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको आज के मौसम का हाल। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यह देख सकते हैं आप, सामने धूप लगी हुई है लेकिन कहीं कहीं बादल होने की वजह से छाया भी है। और ये देख सकते हैं आप सामने, और जो धुआं कुछ दिन पहले हमारे पहाड़ों में लगा हुआ था वो एकदम छंट गया है, बारिश की वजह से साफ़ हो गया है। और सामने हिमालय पर्वत के ऊपर अभी भी बादल हैं, और ठीक इन बादलों के पीछे हिमालय पर्वत है। और इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ धूप नहीं है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं धूप नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं सामने पहाड़ पर, और ये हमारा मोहल्ला है। और आप देख सकते हैं कि लोग बाहर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब 3 बजे के बाद यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। हालाँकि थोड़ा थोड़ा धूप भी लगी हुई है, लेकिन धूप में जान नहीं है और सभी लोग अब घरों के अंदर चले गए हैं। और सुबह 10 बजे तक तो ठीक ठाक धूप थी, लोग छतों में धूप सेक रहे थे, लेकिन अब देख सकते हैं कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल पहाड़ों का मौसम बिल्कुल शांत हो चुका है, और बादल आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे ये बादलों के। तो फ्रेंड्स, हम सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, और आज की जो सब्जी है वो राई की सब्जी है। और हम जा रहे हैं अब अपने ऑर्गेनिक फार्म यानी पोली हाउस में सब्जी के लिए, तो वहाँ से हम राई लाएंगे और फिर आज सुबह राई का नाश्ता तैयार करेंगे। तो आप बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आप नए साथी हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहें। फ्रेंड्स, हम पोली हाउस में आ गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर और काफ़ी अच्छी और घनी यहाँ पे राई हो रखी है। तो आज हम इस तरह से यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये राई पत्ता निकाल रहे हैं, और इस तरह से हम ये टोकरी में इकट्ठे करके फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। और ये पेवर ताज़ी ताज़ी सब्जी हम निकाल रहे हैं, और इस तरह से हमने टोकरी पूरी भर दी है। और अब हम अपने किचन की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी मिसेज अनिता जी तैयारी कर रही है सब्जी बनाने की। तो लिए चलते हैं आपको अपने किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हैं मिसेज अनिता जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने राई की सब्जी में मिलाने के लिए बारीक बारीक आलू काट दिए यहाँ पर, और आज हम आलू और राई की मिक्स सब्जी यहाँ पे बना रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से हम अभी अभी आपको दिखाया था, इस तरह से पोली हाउस से राई ले आए हैं, और अब सब्जी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मिसेज अनिता जी, इस तरह से इन्होंने राई को बिल्कुल बारीक बारीक काट दिया है। ये देख सकते हैं कि चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हैं। और ये मिसेज अनिता जी अब देख सकते हैं सब्जी की तैयारी, और इस तरह से इन्होंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में। और आज जो हम सब्जी बना रही हैं, आप देख सकते हैं हमारी गैस ख़त्म हो चुकी है, तो हम आज इंडक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ये इमरजेंसी के लिए इंडक्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस तरह से देख सकते हैं, इसमें सरसों का तेल ऐड कर लिया है, और यहाँ पर सब्जी सारी कट के तैयार हो चुकी है। और ये अनिता जी इसमें जखिया का ये तड़का डाल रही हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा जखिया प्रॉपर ये भून चुका है, और अब हम इस पर आलू डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। तो ये देख सकते हैं अनिता जी इस तरह से इसमें आलू के पीस डाल रही हैं, और ये आलू प्रॉपर इसमें पक चुके हैं। और थोड़ी देर 5 से 7 मिनट इनको फ्राई करने के बाद इसमें हम जो राई पहले से हमने काट के रखी है उसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद 5 से 7 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगी। और बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी होती है हमारे पहाड़ में, इसको बड़े चाव से खाया जाता है, राई और आलू की सब्जी। तो फ्रेंड्स, आलू हमारे प्रॉपर ये भुन चुके हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ब्राउन कलर के हो चुके हैं, और अब हम इसमें राई ऐड करेंगे। इस तरह से आलू देख सकते हैं आप, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं,
और इस तरह से अब हम इसमें राई ऐड कर रहे हैं जो पहले से बारीक यहाँ पे कटी हुई थी, और इसमें इस तरह से थोड़ा सा गरम मसाला और ये नमक ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसको चला के फिर ढक देना है और 5 से 7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। और जब तक ये तैयार होती है तब तक हम नहा लेते हैं। तो हमारा छत के ऊपर सोलर कुकर पे पानी रखा हुआ है तो देखते हैं वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम छत के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा सोलर कुकर के ऊपर पानी रखा हुआ था, तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो देखते हैं वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये हमने आप देख सकते हैं गागर में पानी रखा हुआ है और देखते हैं ये गर्म हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ, काफ़ी गर्म हो चुका है और अब हम इसको बाल्टी में रखेंगे और फिर बाथरूम में जाके फिर नहा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम बाथरूम में गर्म पानी ले आए हैं और अब हम नहाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम नहा लेते हैं और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स हम नहा के बाहर आ चुके हैं बाथरूम से और अब बालों को अच्छी तरह से सुखा देते हैं क्योंकि बाल हमारे काफ़ी बड़े होते हैं तो ये सूखने में भी टाइम लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी ग्राम सभा सावली की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज वहाँ पर हमारे गांव के प्रधान जी द्वारा महिला समूहों को कुछ कृषि यंत्र प्रदान करने हैं। तो देखते हैं वहाँ पर किस तरह के कृषि यंत्रों को महिला समूह को दिया जा रहा है। तो आपको ले चलते हैं वहाँ पे और वहाँ से दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे यंत्र आज वितरित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे गांव सावली में ये 4 पावर टिलर यहाँ पर प्रधान जी द्वारा प्रयास किया गया था कि हमारी ग्राम सभा को और वहाँ पर जो महिला समूह बनाए गए हैं उनको ये 4 पावर टिलर प्रदान किए गए हैं। और हमारी ग्राम सभा काफ़ी बड़ी है इसलिए अलग अलग जगहों पे हमने एक एक 4 पावर टिलर रखा हुआ है और यहाँ पर आटा चक्की भी यहाँ पर प्रदान की गई है महिलाओं को, वो भी आपको दिखाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे गांव की मातृशक्ति, यहाँ पर देख सकते हैं इनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कृषि विभाग द्वारा कि किस तरह से 4 पावर टिलर को चलाना है। और ये आटा चक्की है, इस पर हम मसाला भी पीस सकते हैं, हल्दी भी पीस सकते हैं और मल्टीपर्पज़ ये चक्की है और इससे महिलाओं को काफ़ी सहूलियत होगी आटा पीसने और मसाले पीसने के काम ये आएगा। और देख सकते हैं ये कृषि विभाग के द्वारा आजीविका स्वयं सहायता समूह को ये सारे यंत्र यहाँ पे कृषि यंत्र हैं वो प्रदान किए गए हैं और यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा एक टीम भी आई है जो इनको समझा रही है कि ये किस तरह से काम में इनको लाया जा सकता है। या आप देख सकते हैं तमाम मातृशक्ति यहाँ पर प्रधान जी भी हैं और प्रधान जी भी यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं भविष्य में इन यंत्रों से। तो ये आप देख सकते हैं प्रधान जी की ये काफ़ी अच्छी पहल है हमारे गाँव के। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड।